मिशन झारखंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोकारो में रैली है संबोधित कर रहे हैं फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी, सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना, वहां अभी अभी चुनाव हुआ, लोगों ने भारी बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है जब तक नोटों का बंडल नहीं देते खर्ची नहीं करते नौकरी नहीं मिलती, और पर्ची का मतलब है जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों, और झारखंड में हमारा एक और लक्ष्य होगा, यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य के हमारे होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। साथियों, झारखंड के हमारे बहन बेटियों का जीवन आसान हो ये मेरी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना झारखंड चुनावी दौरे पर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि खर्ची और पर्ची दोनों को दफन किया।